अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे झींगे के बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ हमने आधा किलो साफ किए हुए झींगे लिए हैं और उसे धोकर रखा हुआ है। झींगे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिरयानी में मुझे ज्यादा झींगे पसंद है, इसलिए मैंने ज्यादा लिए हैं। नमक डालेंगे आधी टीस्पून, साथ ही आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून यहाँ हम कोकम वाला पानी लेंगे। आप चाहो तो इसकी जगह एक बड़ी नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस कोकम को हमने थोड़े पानी में भिगो कर रखा था और उसका रस लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद अब हम उसमें दूसरी चीजें डाल देंगे। यहाँ हमने लिया है बिरयानी मसाला, शान का बिरयानी मसाला। आप अपनी पसंद का कोई भी बिरयानी मसाला यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालेंगे, साथ ही 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 20 लहसुन की कलियों में हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाला था और उसे दरदरा पीस लिया है। ये तकरीबन 4 टीस्पून के करीब है, इसे हम शामिल करेंगे। और अब झींगे में सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है। सारी चीजें मिक्स हो गई हैं और अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हम बिरयानी की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई में आधे कप से भी कम तेल गरम कर लिया है। उसमें डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 हरी इलायची और 1 तेज पत्ता। 5 से 6 हरी मिर्चों को हमने मोटा पीस लिया है, इसे भी शामिल करेंगे। और 2 बड़ी प्याज स्लाइसेस में कट की हुई डाल दें। और प्याज को हम हाई से मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो गई है, अब हम उसमें 2 टमाटर बारीक कट करके डालेंगे। साथ ही नमक भी डालेंगे। नमक थोड़ा कम डालें क्योंकि झींगे को मैरिनेट करने में हमने नमक इस्तेमाल किया था। और इसे अब हम हाई फ्लेम पर पहले थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पर कवर करके 7 से 8 मिनट तक टमाटर के गलने तक हमें इसे पका लेना है ताकि ये अच्छी तरह से गल। टमाटर एक तरफ गल रहे हैं, दूसरी तरफ हमने 3 कप बासमती राइस को आधा घंटा पानी में भिगो कर रखा है, इसे हम उबाल लेते हैं। यहाँ एक बड़े बर्तन में हमने पानी को उबालने के लिए रख दिया है। चावलों के 3 गुना ये पानी है। अब हम इसमें 10 से 12 पुदीने के पत्ते डालेंगे फ्लेवर के लिए, 1 हरी मिर्च और नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ज्यादा डालें क्योंकि हम चावलों को निथारने वाले हैं। उसी के साथ 2 टीस्पून तेल डालेंगे ताकि चावल जो है वो खिले खिले बने। और अब बासमती राइस को पानी निथार कर उसका डाल देंगे, मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें 75% गलने तक पका लेना है। 10 से 12 मिनट में चावल जो है वो हमारे पक गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे निथार कर रख देंगे। टमाटर को अब चेक कर लेते हैं। टमाटर काफी हद तक गल गए हैं, पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम उसमें मैरिनेट किए हुए झींगे डाल देंगे। यहाँ हमने 1 कप बेरिश्ता यानी कि प्याज फ्राई की हुई ली है और उसे हमें हाथों से चूर लेना है और फिर इस बेरिश्ते को हम उसमें शामिल करेंगे। मसाला हमने थोड़ा सा ज्यादा बनाया है, अगर आपको कम चाहिए तो आप बेरिश्ता थोड़ा कम इस्तेमाल करें। साथ ही 1/2 कप बारीक कटी हरी धनिया, 1/4 कप पुदीने के पत्ते और 12 से 15 करी पत्ता हम इसमें डाल देंगे। डेढ़ टीस्पून बिरयानी मसाला और जिसमें झींगे मैरिनेट किए हुए थे उसी में हम
पाव कप कोकम का पानी डालेंगे। 7 से 8 कोकम को हमने पानी में भिगो कर रखा था, उसी का पानी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। दही की जगह हमने कोकम वाला पानी इस्तेमाल किया है और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस वक्त इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको ज्यादा तीखी बिरयानी चाहिए तो इस वक्त आप थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर सकते हो। नमक थोड़ा कम था इसलिए हमने इसमें शामिल किया है। बस अब उसे मिक्स कर लेंगे और याद रखें कि झींगे डालने के बाद हमें इसे ज्यादा देर पकाना नहीं है, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे तो खाने के लिए कड़क कड़क लगते हैं। तो इसीलिए हम अब फ्लेम को लो करेंगे और कवर करके हमें बस 3 से 4 मिनट पका लेना है। ज्यादा पकने से ये ओवर कुक हो जाते हैं। 4 मिनट हो गए हैं और देख सकते हो आप तेल भी ऊपर आ गया है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक तरफ रख देंगे और फिर झींगे के मसाले की और चावल की तह बिछा देंगे और इसे दम पर पका लेंगे। हमने झींगे को ज्यादा देर नहीं पकाया है क्योंकि हम इसे दम पर पकाने वाले हैं। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें हमें बिरयानी को दम पर देना है। नीचे थोड़े से चावल डाल देंगे ताकि जो झींगे का मसाला है वो नीचे ना लगे। अब जो झींगे का मसाला है बिरयानी के लिए हमने रेडी कर रखा है उसे डाल देंगे। इसे फैला देते हैं ऊपर। थोड़ी सी हरी धनिया और पुदीने के पत्ते छिड़क देंगे और बाकी बचा हुआ चावल सारा डाल देंगे इस पर। पाव कप पानी डालेंगे, साथ ही 2 टेबलस्पून हम घी डाल रहे हैं। घी या तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी धनिया, पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा बेरिश्ता हम ऊपर से भी छिड़क देंगे। ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें दम पर पका लेना है। यहां हमने एक पुराने तवे को गर्म करने के लिए रखा है और इस पर हम बिरयानी का बर्तन रख देंगे ताकि जो बिरयानी है वो नीचे से ना लगे। पहले 5 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर उसे लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट हमें दम पर पका लेना है। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और उसे 10 मिनट ऐसे ही रखा था। हम इसमें फौरन चम्मच नहीं डालेंगे वरना ये टूट जाएंगे। 10 मिनट बाद हम इसे ऊपर नीचे हल्के से मिक्स कर लेते हैं। देखिए बिरयानी हमारी बनकर तैयार है और ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगी है। अब इस गरम गरम प्रॉन्स बिरयानी को हम एक डिश में निकाल के सर्व करेंगे। बहुत ही डिलिशियस बनकर तैयार हो गई है। इसे हमने सैलड के साथ सर्व किया है। टेस्टी झींगा बिरयानी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राई करना और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी नई नई रेसिपीज आपको मिले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।